नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजू राठौर, जो कि जल्लापुर गांव के निवासी है और इनकी तहसील सिकंदरा है, जो कि कानपुर देहात में पड़ती है। इनके जमीनी विवाद को लेकर काफी दिनों से मामला चल रहा है। वहाँ के अधिकारी इनकी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे, ना ही इनकी कोई बात सुनते। ये पूरा मामला विधायक विनोद कटियार, जो कि एक दबंग किस्म के विधायक बताए जाते हैं, इनका विवादों से काफी पुराना नाता रहा है। आइए आज हम राजू राठौर से जानते हैं कि इनका पूरा मामला क्या है और किस तरीके से इनको प्रताड़ित कर रहे हैं बीजेपी विधायक विनोद कटियार। तो राजू जी, आपसे सबसे पहला सवाल ये है, आपका ये मामला कब से चल रहा है और कितने दिन से आप ये संघर्ष करते आ रहे हैं? सर, ये मामला हमारा करीब 1.5 साल हो के ऐसा चलता चला आ रहा है। हमने जमीन 2015-16 में खरीदी है अपने पिताजी के नाम, मम्मी के नाम और अपनी पत्नी के नाम पे, जो ये हमारे पास रजिस्टर्ड बैनामे हैं और एसडीएम साहब ने इसको आकर्षक घोषित भी कर दी है। ये जो 18-10-2018 में, तो इसमें जब से हमने निर्माण कार्य कर लिया है 70,000 ईंट भी लगा रखी है, 2 दुकानें हैं, मकान बाउंड्री और उसमें नल समर कब रहने के लिए कमरे भी बने हुए हैं। और फिर इन्होंने तो 2018 में खरीदी है, और जो राहुल व ललित ने हमें बेची है, राहुल ने जो मदियापुर निवासी जो हैं शशि देवी को बेची, और ललित ने जो है रामवती पत्नी रामफल को बेची, वो भी कृषि करते चले आ रहे थे। उसके बाद नाई ने और जो शशि देवी ने जो है विधायक जी को बेच दी 13 बिस्वा, जबकि राहुल की जमीन जो है 12.5 बिस्वा ही बचती है, और उन्होंने शशि देवी ने 16 बिस्वा बैनामा करवा ली। वहाँ वकील साहब उसको सही नहीं दे पाए, जबकि बैनामा ही गलत है, पहले से ही बढ़ा के बैनामा किया हुआ। आपने बैनामा कब करवाया था? हमने सर ये बैनामा ये 2015 में कराए हैं सर, 2015 और 2016 में। विनोद कटियार ने कब करवाया है? ये इनका बैनामा सर 2018 में है। तो वो किस तरीके से आपका हरेसमेंट कर रहे हैं? पहले तो सर हरेसमेंट ऐसे करते, पहले तो हमारे थाना सट्टी में कहते कि इनको जो राठौर जाए सुभाषी लाल जी, इनको कहो बेच दें। कभी राजपुर थाना में कहते हैं कि अरे थानेदार जी, जरा जो तुम्हारे हल्का में जो जल्लापुर सिकंदरा में जो रोड के मुगल रोड पे जो रहते हैं अवस्थी ढाबा के सामने, राठौर ट्रेडर के नाम से भी गिट्टी मोरम सरिया का व्यापार करते हैं, उनको कहिए हमें बेच दें। तो बताइए ये अपने प्रभाव में आके थानेदार या पुलिस कर्मियों से हमें कहते हैं कि बेच दो, ये कहाँ का अन्याय? अंधी तो सरासर अन्याय है। हमने अपने बच्चों के लिए जमीन खरीदी है कि बेचने के लिए जमीन खरीदी है? आपने वहाँ के कौन कौन से अधिकारी से अभी तक मिले हैं? अपनी शिकायत कहाँ कहाँ दर्ज कराई है? अपने जिले में कितने अधिकारियों के पास अभी गए हैं, किन्होंने आपकी ये कार्रवाई का आश्वासन दिया है, किन अधिकारियों ने आपका कार्रवाई करने के लिए एकदम साफ तौर पर मना किया है? हम जो है अपने तहसील सिकंदरा तहसीलदार से भी मिले, एसडीएम साहब से मिले, माननीय हमारे डीएम साहब जी जो अभी आए हैं उनसे भी मिले, और सबसे अधिक गहरी बात हमें ये लगी कि एसडीएम साहब कम से कम हमसे 40 बार बोल चुके हैं कि आप विधायक जी से मिल लीजिए, अपना वहीं से हरेसमेंट फैसला कर लीजिए कि देखते हैं विधायक जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो बताइए एक जिला लेवल के अधिकारी अगर फैसले के लिए कहते हैं जबकि जमीन हमारी है, तो उसके बाद हम जो है डीएम साहब के गए, डीएम साहब जो अभी हमारे आए हैं 2020 में, तो डीएम साहब ने क्या बोला? डीएम साहब तो पहले हमारे सामने कहा कि भाई एसडीएम साहब इनके पास तो सारे कागज मौजूद हैं और ये सही हैं, ये आपने कोरे क्यों बना दिए, कैसे बन गए भाई, ये तो आकर्षक जमीन है। तो उन्होंने पहली बार तो ऐसा एसडीएम साहब को कहा, और उस बीच में हम माननीय अजीत पाल मंत्री जी से भी मिले, उन्होंने अपने डीएम साहब से भी कहा कि हमारे क्षेत्र की बात है और ये गलत सलत विधायकी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, जो ये परिवार रह रहा है काफी दिन से रह रहा है, हम इनके निर्माण में हो भी आए, शादी भी की और हम उनकी शादी में भी गए इसी जगह पे, अगर ये तो 2018 में खरीदी, उन्होंने डीएम साहब से कहा। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि विधायक वाकई कितना दबंग विधायक है कि दूसरे विधानसभा में दूसरे विधायक के कहने के बावजूद भी वहां के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि यह भोगनीपुर विधायक का मामला है विनोद कटियार का, शायद इसीलिए अधिकारी अपना मुंह बंद कर लिए हैं और कार्यवाही करने से सीधे मना कर दिया है।
क्योंकि जब एक पार्टी का ही दूसरा विधायक अपने विधानसभा की बात कर रहा है कि मेरे विधानसभा में कोई गलत कार्य ना किए जाए, उसके उपरांत भोगनीपुर विधायक सिकंदरा विधानसभा में वो अपनी मनमानी चला रहे, तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे के कार्य क्षेत्र में वो किस तरीके से दबंगई कर रहे हो। एक जिले का अधिकारी, जिसे सभी का एक ये रहता है कि हमारे जिला अधिकारी है, जब हमारा कोई कार्यवाही नहीं करेगा अधिकारी तो हम जिला अधिकारी के पास शिकायत करने जाएंगे। हालांकि इन्होंने जैसा बताया कि पहली बार जिला अधिकारी ने एसडीएम को फटकारा भी कि इनके पास सारे कागजात होने के बावजूद भी आप इनकी कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे। लेकिन कुछ समय बाद विधायक का दबाव पड़ने के बाद शायद जिलाधिकारी महोदय जी भी चुप्पी साध गए हैं और उन्होंने भी कार्यवाही करने से मना कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये शख्स अब जाए तो किसके पास जाए। वहां के कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कार्य करने से बिल्कुल मना कर रहे हैं, इनको रोज टहला देते हैं। कहीं तहसीलदार बोलता है एसडीएम के पास जाइए, एसडीएम बोलता है डीएम साहब के पास जाइए, कहीं एसडीएम बोलते फिर एसडीएम के पास जाइए, फिर इनको एक कोई बताता है कि आप सीधे योगी जी के पास जाइए। हालांकि इन्होंने पहले ही बताया था कि दो बार योगी जी के दरबार तक जा चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश ये डायरेक्ट मुख्यमंत्री योगी जी से मुलाकात नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या योगी जी ऐसे गरीब व्यक्ति की मदद आप कर पाएंगे या एक अपने विधायक की नाते आप उसकी पैरवी करेंगे। अब देखना सबसे बड़ी बात यह है कि आप गरीब जनता के हित की बात करेंगे या एक अपने पार्टी विधायक की बात करेंगे। तो ये बताइए, जब आप एक बार बताया था कि एसपी के पास गए थे, एसपी महोदय ने क्या आपसे बोला था? एसपी साहब अपने के सर हमारी जान माल को खतरा है जी। तो एसपी साहब बोले कि भाई वो तो विधायक है और विधायक तो गुंडा किस्म के होते ही है। एसपी साहब मैं पिताजी गए थे, झूठ नहीं बोल रहे। ये बात डायरेक्ट एसपी महोदय ने बोला, एसपी महोदय गुंडा किस्म के विधायक है। हाँ, और आप अपनी सुरक्षा स्वयं करिए। धमकी साहब, हम तो करीब 200 मीटर दूर गांव से रहते हैं। बोला प्राइवेट गनर रखिए साहब, हम की प्राइवेट गनर का हमारे पास तो लाठी डंडे ही होते हैं और गनर लायक होते हैं तो साहब हम यहाँ वहाँ डोले नहीं घूमते। अब आप सुन सकते हैं और इनकी बातों पे एक बार अमल करिए कि एक जिले का एसपी इनसे इस तरीके से बात कर रहा है कि वो गुंडे किस्म का विधायक है और आप अपने साथ कोई गार्ड रखिए। अब ये बताइए कि ये व्यक्ति खेती किसानी करेगा या व्यापार करेगा, ये एक विधायक के सामने अपनी सुरक्षा के लिए इंतजाम गार्ड की करता घूमेगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होता है कि एक जिले का अधिकारी इस तरीके से बात कर रहा है, तो बताइए वो जिले में किस तरीके से लगाम लगा पाएगा इन अपराधियों को। क्योंकि जब एक जिम्मेदार व्यक्ति ही, एक जिले का अधिकारी इस तरीके से बात करता हो तो क्या वहां की जनता सुरक्षित होगी? क्योंकि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक जिले का जो अधिकारी होता है, जिले स्तर का अधिकारी, वो जिले स्तर को देखते हुए सारी कार्यशैली अपने हाथों में लेता है, कहां गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है वो उस पर विराम लगाते हुए अपनी बात रखता है। लेकिन आज कुछ उल्टा हो रहा है, क्योंकि यहाँ विधायक जी का मसला है। तो विधायक जी से आप क्या, आपकी कोई पर्सनल बात हुई अभी तक डायरेक्ट हुई, या विधायक जी आपके दरबार आए हैं, आपके पास घर में आके कोई बातचीत अभी तक ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों के बीच? नहीं, हमारे साथ ऐसा विधायक जी से एक बार, हमारे जो बड़े भैया प्रधान जी हैं जी, उन्होंने कहा कि विधायक जी से एसडीएम साहब बार बार कहते चलो भाई फोन लगाया जाए, विधायक जी का क्या मतलब है, क्यों कहते हैं एसडीएम साहब की बात कर लीजिए। तो विधायक जी अपने आप बोलते अरे चाचा ने तुम्हारे दिमाग खराब कर रखा है, हमारा फ्रंट हमें छोड़ दो और तुम अपना फ्रंट बनाओ। जब विधायक जी ने 2018 में लिया है, तुम्हारा फ्रंट है ही नहीं, हमने तो प्लाटिंग में लिया है, हमारे पास ये कागज हैं, मौजूद कागज हैं और आकर्षक भी करा रखी है। इस दरबान हम डीएम साहब को मिले, वो कहते हैं कि संत जी से मिलिए, संत जी का मतलब योगी जी से। अब बताओ ये भाषा जब डीएम साहब, जिले के डीएम जो बोल रहे हैं, अब माननीय डीएम साहब को सैलरी तो राज्य सरकार देती है कि माननीय विधायक जी देते हैं, आप तो सरासर गलत बोल रहे हैं। शर्म की बात है कि एक गरीब परिवार का किसान, और शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक बात बहुत अच्छी बोली है कि ये जो अधिकारी होते हैं ये जनता के रखवाली के लिए होते हैं, इनके साथ कोई अत्याचार ना हो, दुराचार ना हो, इनके साथ किसी भी तरीके गलत कार्य ना हो पाए। लेकिन जब जिले के अधिकारी ही हाथ खड़े कर दें तो ऐसे में क्या होगा, अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि ऐसे में क्या होगा, वो व्यक्ति क्या करेगा। जब
जिले के अधिकारी अपने हाथ खड़े कर देंगे, आगे कोई रास्ता नहीं बचता है, तभी कोई ना कोई अप्रिय घटना घट जाती है। और इनके पास शायद इन्होंने देखिए इनके रजिस्ट्री है, और इनके करीब 2018 में इनका आकर्षक भूमि हुआ था, ये 2018 में हुआ है। और इनके सारे जो कागजात हैं बिल्कुल अच्छे हैं, इनके तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई भी कागज अभी तक नहीं दिखाया है तो इनके पक्ष में ना हो। और अब सबसे बड़ी बात ये होती कि देखना यह है कि आगे क्या होता है, सरकार प्रशासन इनका साथ देती है या अपने ही बीजेपी विधायक का साथ देती है। जैसा कि आपने पीड़ित के बयान में सुना कि गलत होने के बावजूद भी दबंग विधायक विनोद कटियार के आगे प्रशासन नतमस्तक है, लेकिन हमेशा निष्पक्ष लड़ाई लड़ने वाली आईपीएन टीम हमेशा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी।